पता है तुहानू के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तान उल हिंद नायब रसूल फिल हिंद अताए रसूल मुइन उल हक के वद्दीन ख्वाजाए ख्वाजगां मुइनुद्दीन चिश्ती हसन सिजदी रजी अल्लाह ताला अन्हो 85 साल तो उत्ते उम्र रही 90 दे करीब ख्याल आया तो यार मैं हाफिज़े कुरान नहीं हाँ ये सादत तू मारू मैं और डिजिट दसना पिया 90 साल का बुढ़ा 88 साल का बुढ़ा ख्याल आ गया आपने कुरान पढ़ना इस नीयत न शुरू किया जो मैं याद हो गए 88-90 साल की उम्र च एक साल दे गरीब नवाज ने कुरान याद कर दिया लोग आने बुढ़िया ना जेन कमजोर होना है लेकिन जिथे 90 साल की उम्र से पहुंचे मुइनुद्दीन अजमेरी ते जवान होया जेन जवानी हो आई है लगाकर बता नहीं सकते कि कहां है कहां नहीं है। हजरत सुल्तानुल मशायख निजामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा था कि भाई तुम ये लोग ये खानकाएं सजाकर बैठे हो अल्लाह की बड़ी मारिफत के ठेकेदार बनकर बैठे हो जरा मुझे अल्लाह से मुलाकात तो कराओ। होते हैं बड़े मोतरिफ लोग भी सूफियों के साथ। अब शुक्र है कि ये एतराज इस दौर के किसी पीर से नहीं हुआ वरना मसला हो जाता तो बेचारा क्या जवाब देता। कई गुंगे भी तो हैं ना बोल नहीं सकते तो कई बोल सकते हैं हाजिर जवाब नहीं है माकूल जवाब नहीं दे सकते लेकिन वो सुल्तानुल मशायख थे निजामुद्दीन हजरत बाबा फरीद गंज शकर के खलीफा आजम। उसने कहा तू पीर बन के बैठे हैं ठेका कहने के गद्दी से बह के अल्लाह दस किथे मुलाकात करा। हजरत निजामुद्दीन फरमाया जरा पंजाबी थोड़े जे इलाके नहीं जबान हजरत निजामुद्दीन फरमाया वो जिसम तू पा के उस असी दस ना सकते पर ईमान रखो जमीन आसमान किस पैदा किते ये वो सारी कायनात उसी का जरूर है। उसने कहा नहीं बताओ दिखाओ मुसाफा कराओ। वाह जी वाह निजामुद्दीन फरमाया तेरे जिस्म दे अंदर रूह है अखे जी है अखे मां हाथ ला के दस इत्थे है हाथ ला के दस गिटिया चे गोडिया चे लके विचे नके विचे खड़े जनाब मैं एक जगह लातना दस लातना दस पूरे वजूद में पूरे जिसम में फरमाया के है अथू शुरू होना है तेरा जिसम ते हथे मुक मिलना पैर से इतने जे टोटे च तू तो नहीं लगना ते इस पूरी फैली कायनात मैं तुझा हथ लवाना सिरू तो शुरू होना है तो पैर से मुक बनना पैर तू शुरू होना है तो सिर से मुक बनना इस वे तू हाथ ला के नहीं दस सकना इथे ऐ वे रूह ते इथे नहीं इथे तू कायल है सारी जगह उसका सिरियान है फैजान है ते इस पूरे कायनात के जिस्म
मैं तुदा किथे आखा इथे है इथे बाबा भगवानी असाने छाया होया फारसी वो इस गल बयान करना है आ गया हुण साहबज़ादा साहब महाराज मुश्किल हिकायत के हर जर्रा ऐने बड़ी औखी गल है कि हर अनेरे की गल नहीं ते गल चली इस तू के हिदायत सुनने ना शौक होवे गल समझने ना शौक होवे ते जबान नू कैद नहीं होनी बंदा गल समझ वेना मोहब्बत नहीं कोई जबान नहीं मोहब्बत बेजबान है लेकिन बेजबाना वा जबान देनी है मोहब्बत नहीं कोई जबान नहीं देखो मां बच्चे नाल मेहरबानी करनी है उस वक्त जिस वक्त बच्चा बोल नहीं सकना बच्चा गल नहीं समझना उस वेले ओ केड़ी बोली बोलनी मां जिस नाल बच्चा चुप नहीं कर बनना ते बच्चा उसकी गल्ला इशारिया ते गल मन मनना ओ केड़ी जबान है ओ मोहब्बत नहीं जबान है ए मोहब्बत नहीं जबान ऐसी जबान है कि इस जबान ना इतनी तासीर है कि दुश्मन दोस्त हो बनना है दुश्मन के हो बनना है दोस्त बन बनना है ते ए जबान ना होवे ते फिर दोस्त दुश्मन बन बनना है